कुछ साल पहले तक रईस देशों में शुमार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित वेनेजुएला इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में अराजकता के माहौल के बीच यहाँ की जनता खाने को तरस रही है। इस देश के आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं और महंगाई आसमान छू रही है। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि यहाँ पर 1 लीटर दूध के लिए लोगों को 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं 1 किलोमीटर की कीमत 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है। पर इस सब के बीच इस देश से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो सरकार की तरफ से गुपचुप तरीके से देश के सोने का भंडार बेचने की खबर आई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने काफी बड़ी मात्रा में सोना अमेरिका के थोपे गए प्रतिबंधों से बचते हुए पूर्व अफ्रीका भेज दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला और युगांडा के अधिकारियों का कहना है कि 2 फ्लाइटों से $30 करोड़ से ज्यादा कीमत के 7.4 टन सोना गुपचुप वेनेजुएला से युगांडा की एक रिफाइनरी पहुंचा दिया गया है। दस्तावेजों की जांच करने वाले युगांडा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, पार्सल से जुड़े पेपर वर्क के कारण गोल्ड बार होने का पता चला है। इनमें से कुछ पर वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक की संपत्ति के स्टैंप लगे हुए थे। जहाजों की एक गुपचुप तरीके से हुई आवाजाही भी इस ओर इशारा कर रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला के विपक्षी दल के नेता जुआन गुंडो को राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी है, इसलिए यूएस ने मदुरो सरकार पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने दुनिया के अन्य देशों को भी मदुरो सरकार के साथ किसी भी तरह की व्यापारिक साझेदारी निभाने को लेकर चेतावनी दी हुई है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।